हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर रीस्टार्ट होना, सडनली शट डाउन होना, या फिर बीच में कहीं एक पॉइंट पे रुक जाना। तो एक ट्रिक है जिस ट्रिक से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी घर पे। तो सिंपली मैं आपको दिखा दूँ, मैं जो स्क्रू ड्राइवर की मदद से प्रोसेसर फैन को मैं रिमूव कर रहा हूँ, बस इसी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये सब डस्ट के चलते ऐसा होता है, और प्रोसेसर का जो पेस्ट होता है जिससे कि प्रोसेसर को कूल किया जाता है, यानी ठंड किया जाता है, ठंडा किया जाता है, वो पेस्ट सूख जाने से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो कुल मिला के दो रीज़न होता है, एक डस्ट और दूसरा प्रोसेसर पेस्ट। ये दोनों में से कोई प्रॉब्लम होता है तो आप देख सकते हैं प्रोसेसर का जो फैन है पूरा के पूरा गंदा हो चुका है, यानी कि पूरा डस्ट जमा हुआ है। तो आप देखेंगे कि पूरा मैं मदरबोर्ड को अच्छी तरीके से साफ़ कर रहा हूँ, तो आपको कुछ इस टाइप से साफ़ कर लेना है। और आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो प्रोसेसर है उसके ऊपर जो पेस्ट होता है वो थोड़ा भी पेस्ट नहीं है, पूरा के पूरा सूख चुका है। तो सिंपली यहाँ पे हमें थोड़ा पेस्ट डालना होगा, और जो आप प्रोसेसर का जो फैन देखे हैं उस पे जो हीटिंग लगा हुआ है उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। और यहाँ पे मैं आपको ये पेस्ट दिखा दूँ, HY510, जो कि कंप्यूटर एसोसरी जहाँ पे आप कंप्यूटर का सामान ये सब ख़रीदते हैं वहाँ से आप 40 से 50 रुपए में इसको ख़रीद सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो लाऊँ तो आप तक पहुँच पाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस टाइप से आपको प्रोसेसर फ़ैन को साफ़ करना है और हीटिंग को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। जो कि फ़ैन के नीचे जो आप देख रहे हैं प्लेट, जो कि एल्युमिनियम का है, इसको थोड़ा सा भी डस्ट इसमें नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा फ्रेश हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसर को कूल करने में सबसे बड़ी योगदान प्रोसेसर फैन का ही होता है। कम से कम पूरा अच्छे तरीके से ज़्यादा साफ़ करें, थोड़ा टाइम देके। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं लास्ट में कंप्यूटर ऑन करके भी दिखाऊंगा कंप्यूटर चल रहा है या नहीं चल रहा है।